मैं सिद्धांत रे। मेरी टाइम वायरिक थियोरी कहती है यह यूनिवर्स एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। समय एक भ्रम है जिससे हमेशा के लिए निकलने के लिए हमें हमारी मौत पता होनी चाहिए। इसलिए मौत पता होना अभिशाप और वरदान दोनों है। क्या बात है, आज तो अलग ही मूड में। अरे बता ना यार, आज कुछ बहुत अच्छा हुआ है। वो तो दिख ही रहा है। वैसे प्रोफेसर साहब तो इतना खुश फिजिक्स में गोल्ड मेडल मिलने पर भी नहीं रहते। वैसे बात क्या है वो तो बता। कुछ नहीं, क्या बताऊं। अरे जो हुआ वो बता। एक लड़की दिखी, मैंने कभी ऐसा किसी के लिए महसूस नहीं किया। उसे देखकर लगा कि जैसे 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 फिजिक्स में किसी। अरे यार फिर से मत सुनो, हर जगह अपनी फिजिक्स की थ्योरी मत लगाया कर। हो गया तेरा ये सब छोड़ यार, ये बता कि वो दिखने में कैसी है। दिखने में उसकी आंखें। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। मिस्टर रे, क्या मैं पूरा दिन यहीं बैठे रहना है? जेंटलमैन, मैं नहीं चाहूंगा इस यादगार घड़ी में आप अपनी घड़ी की सुई पे बैठे रहें। तो जेंटलमैन, यहाँ खत्म होता है हमारा इंतजार और शुरू होता है भविष्य की अनगिनत संभावित घटनाओं के रहस्यों का खुलासा। तो मेरी थियरी के मुताबिक हमारे सबसे करीबी यूनिवर्स के वर्तमान को बदलकर हमारे इस यूनिवर्स के भविष्य को बदला जा सकता है। ये तो आप सर आइंस्टीन की स्पेस टाइम वाली थ्योरी को चैलेंज दे रहे हैं। मेरी अब तक की सारी कैलकुलेशन इस बात पर टिकी है कि जब दोनों यूनिवर्स की टाइमलाइन ओवरलैप करेंगी तब दोनों के बीच में एक ब्रिज जरूर बनता होगा। अच्छा, कब और कैसे? अगर इंसान को एक सब्जेक्ट मान लिया जाए तो उसकी लाइफ स्पैन के मिड पॉइंट यानी कि हाफ लाइफ पर ये ओवरलैप जरूर होगा। तब तो आप कब तक जिएंगे ये भी जानते होंगे। तो ये तो मैं नहीं जानता, पर मेरी बात को बिना देखे नकारना भी तो लगता है बचपन में आपने कुछ ज्यादा ही डोरेमोन देख लिया।
कहता है सिद्धांत, ये दुनिया ना बेवकूफों को सिर पर बिठा के रखती है। हर चीज का एक वक्त होता है। ये लोग जो आज तुम्हारे काम को नहीं समझ पा रहे, मुझे यकीन है कि कल तुम यही लोगों की मिसाल बनोगे। अरे यार, मैंने ना तेरे जैसा बुद्धू साइंटिस्ट आज तक नहीं देखा। क्या बोलते हो भाभी? हाँ वही, क्या तुम तो रहने ही दो, बस करो तुम लोग, ये सब ना मैं सुन सुन के थक चुका हूँ। पूरी जिंदगी मुझे मेरे काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं, फिर भी मैं आज कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तो तुम्हें समझती हूँ ना। जिंदगी में कितनी भी रुकावट आए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम तो ये जानते हो। क्या देख रही हो? मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ ना कि तुम मेरी जिंदगी में आए अनुराग। क्यों, सिद्ध मेरी जान का ख्याल नहीं रखता? अरे क्या बताओ, उसे अपनी बेकार की थियोरी से फुर्सत ही कहाँ है। ऐसा मत बोल, उसी की वजह से तो हम इतना करीब आ पाए। निकल जाओ फ्रेंड मत वाला। टाइम वायर थियोरी, पैरेलल यूनिवर्स, टाइम लूप, समय की कैद का घिनौना सच, जो हमें मजबूर करता है वही करने के लिए जो हम हर बार करते हैं, जो मुझे धोखा देने वाले हैं उन्हीं के साथ रहने वाला हूँ, जिनकी सोच मेरी थियोरी समझ ही नहीं सकी उन्हीं को समझाने वाला हूँ, जिस बुद्धिमानी ने मुझे इतना दर्द दिया मैं उसी को गले लगाने वाला हूँ। हंसी आती है, न जाने कितनी बार समय के लूप में मैंने इस दर्द को बार बार सहा है, पर नहीं, इस बार नहीं, इस बार कुछ अलग होगा।
अनुराग। पुलिस स्टेशन यहाँ दो लाशें बिछने वाली है, रोक सको तो रोक लो। मैंने किसी का खून किया है और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मिस्टर ए उठिए, मिस्टर ए, मिस्टर ए उठिए, मिस्टर ए, मिस्टर ए। सर ये कौन है? ये है मिस्टर सिद्धांत रे, अपने जमाने के जाने माने फिजिसिस्ट। किसी वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है जिसे मेडिकल साइंस अब तक समझ नहीं पाई। मैंने किसी पता नहीं 25 साल पहले इनके साथ ऐसा भी क्या हुआ था। मैंने किसी का खून किया है और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मैंने किसी का खून किया है और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मैंने किसी का खून किया है और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं।